से है। बागपत में आदेश जैन अपहरण मामला में व्यापारी आदेश जैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बरामद कर लिया है। सुबह बदमाशों ने व्यापारी का अपहरण किया था और व्यापारी आदेश जैन को छोड़कर फिलहाल बदमाश जो है वो फरार हो गए। सीएम ऑफिस ने घटना का संज्ञान लिया था। बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। 3 जिलों की पुलिस इस चेकिंग में जुटी थी और अब बरामद कर लिया गया। आईजी प्रवीण कुमार की अगुवाई में यह घेराबंदी हुई। घेराबंदी से डर कर जो बदमाश थे वो व्यापारी को छोड़कर भाग गए। तो ये सुबह व्यापारी जो आदेश जैन थे, ये अपहरण किया गया था इनका और अब इनकी बरामदगी हो गई है। 1 करोड़ की फिरौती भी मांगी थी बदमाशों ने, लेकिन अब ये बड़ी कार्रवाई दिख रही है पुलिस की, जहां पर सीएम ऑफिस के संज्ञान के बाद इस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है कि बागपत में आदेश जैन जो व्यापारी थे उनको बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बागपत से बता रहे, जहां पर व्यापारी जो आदेश जैन जो अपहरण कर लिया गया था उस मामले में अब पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिख रही है, जहां पर पुलिस ने उस व्यक्ति को बरामद कर लिया है। सीएम ऑफिस ने घटना का संज्ञान लिया था, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भारत समाचार भी लगातार इस खबर पर जुड़ा हुआ था। तो 3 जिलों की जो पुलिस थी वो लगातार चेकिंग पर जुटी थी और सुबह के मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जब बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया और जो आदेश जैन व्यापारी था उन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि बदमाशों ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, उसका क्या हुआ वो बात अभी साफ नहीं हुई, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि व्यापारी को अब पुलिस ने बरामद कर लिया है, सुबह उसका अपहरण किया गया था और अब बड़ी खबर बागपत से है, जहां पर व्यापारी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो इस खबर के साथ विपिन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। विपिन, पुलिस ने बरामद कर लिया है, पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, इस वक्त पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल प्रज्ञा, मैं बता दूं जिस तरीके से लगातार भारत समाचार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था, कहीं ना कहीं व्यापारियों में भी बहुत ज्यादा रोष था। उन्होंने भी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि बागपत के बाजार और बड़ौद के बाजार को बंद कर दिया जाएगा अगर उनका व्यापारी सकुशल आदेश जो जैन व्यापारी है वह लोहा व्यापारी उसको सकुशल बरामद नहीं किया। तो वहीं 3 जिलों की लगातार पुलिस कॉम्बिंग कर रही थी। एडीजी संजीव सरवाल और आईजी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में टीम गठित हुई थी और लगातार पूरे बागपत की बॉर्डर सील कर दिए गए थे। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अभी तक तो फिलहाल जो मेरे मैंने उनसे आईजी प्रवीण कुमार से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि हमने सकुशल बरामद कर लिया है, फिलहाल अभी बदमाश उनको छोड़कर फरार हो गए थे। एक गाड़ी में बताया जा रहा है बदमाश और एक आधा दर्जन से ऊपर बदमाश थे जो उनको छोड़ गए। अभी थोड़ी देर बाद एडीजी पुलिस लाइन में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार इनको अपहरण किस कारण किया था और कौन कौन बदमाश थे, किन किन को ये पहचानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो अब खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर देहात में दलित मजदूर की हत्या से हड़कंप मच गया, सिर पर लाठी डंडों से हमला किया गया।